आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले SBI कियोस्क में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि आप लोग अब जो भी मनी ट्रांसफर कर रहे होंगे विदाउट OTP, विदाउट मोबाइल नंबर, आप मनी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों ने तो हमारा शुरू भी कर दिए हैं। मनी ट्रांसफर करते समय मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, तो ही आप वहाँ से पैसा किसी भी थर्ड पार्टी के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, राइट। अब ये सबसे अहम बात है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्यों जरूरी किया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी SBI कियोस्क में इसे इनेबल करने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें ये बताया हुआ था कि मनी ट्रांसफर करने वाले को होगा जेल। जी दोस्तों, वो लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल अपने अकाउंट से किसी दूसरे को पैसा भेजते थे जिसे वो जानते तक भी नहीं है। अब ये वो वीडियो मेरा काफी लोगों ने देखा, लेकिन SBI कियोस्क पोर्टल में अगर आप OTP बेस पे मनी ट्रांसफर कर रहे हैं और OTP को वहां पे इनेबल किया गया, कंपल्सरी किया गया, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप जो भी मनी ट्रांसफर कर रहे हैं उस पार्टी का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। हमें इनके गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को आप जानते नहीं है और मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। बट आप मनी ट्रांसफर में तो बहुत सारे लोग नहीं लेते थे पहले, बट अभी ये मोबाइल नंबर कंपलसरी है। एक बात का और आप लोग भी ध्यान रखेंगे, जब भी मनी ट्रांसफर आप करेंगे तो मोबाइल नंबर उसी ग्राहक का डालेंगे। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि अपना मोबाइल नंबर वहां पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर उसके पास मोबाइल नंबर है तो ही उसका मनी ट्रांसफर करें। और चीज मैं और आपको मनी ट्रांसफर करके मैं बताता हूं अभी कि मनी ट्रांसफर में जो मोबाइल नंबर डालना है उसके साथ और क्या क्या डालना है, और डालना बिल्कुल कंपलसरी है, वो भी देख लेते हैं। वो लाइव यहां पे देख सकते हैं कि मनी ट्रांसफर करने के लिए आप उसका सेफ नंबर या अकाउंट नंबर जो भी है वहां से डालकर सबमिट कर देंगे। मनी ट्रांसफर सबमिट जैसे करेंगे वहां पे अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, और एक बात का ध्यान रखेंगे जो भी उसका नाम होगा, जो अकाउंट होल्डर का या फिर जो डिपॉजिट करने आया है उसका नाम जरूर यहां पे मेंशन करेंगे, उसका एड्रेस जरूर डालेंगे। फटाफट हम लोग एड्रेस यहां पे डाल देते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहां पे क्या करते हैं, अमाउंट डाल देते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं यहां पे अमाउंट डाल देता हूं, मात्र आपका यहां पे अमाउंट मैंने 1 रुपया मैंने डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। यहां पे मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मोबाइल नंबर यहां पे उस पार्टी का ही डालेंगे, अपना कभी नहीं डालेंगे। उस टाइप आपको आईडी डालने की कोई जरूरत नहीं, यहां पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो OTP जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं कि OTP जाएगा। वहां पे आपको क्या करना है, मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट शो करेगा, वहां पे OTP डाल देना है। फटाफट OTP डालते देते हैं, चलिए हम लोग OTP डालते हैं यहाँ पे। अब OTP फटाफट मैंने डाल दिया, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, आप जो पहले करते थे ठीक उसी तरीके से आपको करना है, सिंपल। आगे का जो प्रोसेस है सेम वो पहले जैसा है, यहाँ से अपना करें, वेरीफाई करें अपना यहाँ से, और अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें लोग पूछेंगे, बहुत सारा लोग पूछेंगे कि सर इसमें नया क्या है। तो इसमें नया यही है कि जब भी डिपोजिटर का नाम 100% आपको डालना है, उसका एड्रेस 100% डालना है, और मोबाइल नंबर उसी का डालना है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, और ये गवर्नमेंट के मतलब नजरिए से इसको देखा जाए, क्योंकि जो भी क्राइम होते हैं ना, उस क्राइम को रोकने के लिए ये इस तरीके का कदम उठाया गया है। और ये कदम काफी दिन पहले ब्रांच में भी है, अगर आप ब्रांच में जाएंगे, अगर आप पैसा भेजने के लिए किसी के अकाउंट में, तो पैसा आपका वहां पे साफ मना कर दिया जाएगा। कल को अगर किसी प्रकार की कोई मतलब घटना होता है या फिर कुछ भी होता है तो उससे ट्रैक करने में आसानी होगी, इसलिए कंपल्सरी किया गया OTP SBI कियोस्क मनी ट्रांसफर करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था, मैं सोचा आपको बताऊं कि क्यों जरूरी हुआ है। होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।